सब आप स्वागत है आपका मेरे चैनल में। तो आज की मेरी ब्लॉगिंग है गाइस, वेडिंग इवेंट सीजन 8। कल मैंने 7 कंप्लीट किया, आज 8वां सीज़न है मेरा। तो गाइस ये भी सीज़न की मैं आपको तारीफ सुनाता हूँ, मैं हर सीज़न की तो तारीफ करता हूँ, तो ये सीज़न भी मेरा बहुत अच्छा गया है। लास्ट के एंडिंग में इसकी भी मैंने काम पूरी कंप्लीट किया हूँ, मैं बहुत अच्छे से काम हुआ है। इसकी भी कुछ 750 पीपल थे, 750 लोग थे, 750 से ऊपर बढ़ गए, कम से कम 800 तक चले गए, 800 से 850 तक हो गए। फिर भी मैंने पूरा कवर किया, किसी को भी नाराज़ नहीं किया, सब अच्छे से खाना खाए, अच्छे से तारीफ करे। और आज के इवेंट्स 8 में मैं आपको बताता हूँ इनके लिए मैंने फूड क्या क्या रखा था। इनके लिए मैंने रखा था 3 स्टार्टर रखा था, 2 ग्रेवी जो ऑलरेडी मैं सेम जो रखता हूँ, जैसा लोगों को पसंद आता है वही ग्रेवी मैंने इन्हें रखा है, क्योंकि ये लोग टेस्ट करते, टेस्ट करने के बाद ही फिर ये लोग डिसाइड करते कि इनको कौन सी ग्रेवी रखना चाहिए, कौन सा स्टार्टर रखना चाहिए, कौन सी रोटी रखना चाहिए, कौन सा जूस रखना चाहिए। तो जूस में भी मैं इनके लिए 3 रखा था, और जितने भी इनके लिए मैं क्वांटिटी में फूड रखा था, जितने भी स्टार्टर, ग्रेवी, रोटी, राइस जो भी रखा था उसकी मैं व्यूज बताता हूँ। आइए गाइस। तो ये मेरा किचन, सेम किचन, कल मैंने 7 कंप्लीट किया, आज 8वां जो है मेरा इवेंट्स का, ये भी मैं आपको बता दूं आज मेन लोग के लिए क्या क्या स्टार्टर रखा हो। ये देखिए गाइस, ये देखिए शेजवान, इसको बोले शेजवान कांडी चिकन, और दूसरा है हमारा ये चिकन स्क्वायर, और तीसरा है हमारा ये चटनी कबाब। ये देखिए, ये दिख रहा है आपको टेक्सचर, देखिए इसका। जैसे हर स्टार्टर में आपको मैं प्रॉपर डिटेल बताता हूँ, इसकी भी मैं आपको डिटेल बताता हूँ। इसके अंदर चिकन है और 2 किस्म का मसाला है, और अपना चिकन का जो पीसेस है वो इसके अंदर हम लोग ने बारीक पीस के डाले। इसका भी बहुत अच्छा नाम हुआ है, इसका भी बहुत अच्छा काम हुआ है। आगे मैं बताता हूँ और भी हम लोग ने क्या स्पेशल इन लोग के लिए रखा है, जैसा ढाबे में जैसा रखते हैं ना वो फूड मैं आपको बताता हूँ किस तरह से रखे। ये देखिए, ये पूरा स्टार्टर है, बन रहा है, ख़त्म हो रहा है, बन रहा है, ख़त्म हो रहा है। इतना अच्छा हम लोग काम कर रहे हैं यहाँ पे पूरी मेहनत से तेल के सामने, और जितने भी हमारे शेफ है ये बहुत एक्सपर्ट है, बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं ये लोग। मैं आपको आगे की व्यूज बताता हूँ जो इनके लिए, आगे के लिए मैं जो जो फूड इनको मैं इनके बाराती को दिया हूँ। आइए स्पेशली ये ढाबा पैटर्न में बना रहे हम लोग, ये ढाबा स्टाइल में। ये देखिए कीमा, कीमे की क्वालिटी देखिए, और कीमे में हम लोग ने एकदम लाइट सा मिला है, और इसको जो हम लोग ने ये जो आपको टेक्सचर दिख रहा है इसके अंदर, कीमे के अंदर जो मसाले हम लोग ने डाले ना गाइस, उसकी तो ऐसी तारीफ हुई है क्या बोलूँ आपको मैं। कीमा और दूसरा जो है इन लोग के लिए हम लोग ने ग्रेवी बनाए बटर चिकन, उसकी भी मैं आपको व्यूज बताता हूँ किस तरह से मैंने अपना पूरा काम कंप्लीट किया है और किस तरह से मैंने इन लोगों को पूरा कंप्लीट करके दिया हूँ। आज मैंने रोटी रखा था वैसी, आज की भी ये तंदूरी रोटी है, इसे बटर नान कहते हैं। इसमें देखो इसका टेक्सचर देखिए, ये दिख रहा है आपको, ये भी पब्लिक दिल खोल के खाइए, इतना टूट पड़े इस रोटी पे, जो मैं आपको बोला ना इतनी गर्म है मुझे पकड़ने नहीं रहा, फिर भी आपको बताने के लिए मैं थोड़ा सा इसको पकड़ के आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए, ये 2 उंगली से टूटती है। इसके अंदर जो मटेरियल है ना ये आपको मैं बता रहा हूँ, ये अच्छी क्वालिटी का मटेरियल है, कोई ऐसा लोकल आटे से नहीं बनाया, अच्छी ब्रांडेड आटे से इसको मैं बनाया, तभी भी इसका देखो अभी भी निकल रहा है। टाइम कितना हो रहा है, कम से कम 1 बज के ऊपर हो गया है, फिर भी अभी तक पब्लिक खा रही है, किसी को भी नाराज़ नहीं कहे, सबको अच्छे से खिलाए, और सबसे मुँह से तारीफ ही सुनाऊँ मैं आपको। मैं ग्रेवी का पैटर्न बताता हूँ किस तरह से हम लोग ने खूबसूरत सा ग्रेवी बनाया। ये बटर चिकन अंगारा, ये देखिए, ये दिख रहा है आपको टेक्सचर देखिए इसका, इसके अंदर चिकन देखो, चिकन की क्वालिटी देखो, ये दिख रहा है आपको कितना गाढ़ा, कितना थिकनेस है, ये कोई ऐसा नॉर्मल ग्रेवी नहीं, अच्छी क्वालिटी की ग्रेवी है। इसका भी, इसको भी पब्लिक इतना खाई है, ये पूरा कम से कम 3 से 4 डेग था, पूरा डेग पूरा ख़त्म होना है हमारा, इतना अच्छा ग्रेवी बना, इतना अच्छा खाए पब्लिक दिल खोल के। और दूसरा है हमारा स्टार्टर जो, ये देखो ये कच्चा स्टार्टर है, अभी ये भी बन रहा है, ये जो लास्ट का जो टेबल है, लास्ट का जो उनके लिए ये पूरा चीज़ी स्क्वायर बन रहा है ये स्टार्टर। ये देखिए पूरा 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 ख़त्म होना है, प्लेट भी हमारी कंप्लीट हो चुकी है, और राइस तो पूरा ख़त्म हो चुका था, फिर वापस से हम लोग को बनाना पड़ा। आज जो है वही 1 इंच का राइस जो मैंने आपको हर हमेशा बताता हूँ ना, ये देखिए ये लंबा साइज़ का राइस, ये देखिए इतना सॉफ्ट बना एकदम, ये राइस भी समझो ना अभी लास्ट टेबल के लिए, इतना तो लोग खाएंगे नहीं, फिर भी मैंने एक्स्ट्रा बनाया। जैसा मैं हर बार अपनी इवेंट्स में मैं आपको बताता हूँ कि मैं पूरा एक्स्ट्रा ही काम करता हूँ, और एक्स्ट्रा इसलिए करता हूँ ताकि लोगों को कम ना पड़े खाना, इनके टोटल जितनी भी बार आती है उनको पूरे से पूरा खाना मिले, पूरे से पूरा लोग का फ़ायदा हो। 750 के बाद इनका जो 150 और प्लस जो हुआ था वो भी पूरा कंप्लीट कर रहा हूँ मैं। ओके, ये देखिए एक्स्ट्रा काम है मेरा, पब्लिक कंप्लीट होने के बाद ये पूरा काम हम लोग ने कंप्लीट किए। अभी मैं आपको ये स्टार्टर बताता हूँ जो स्टार्टर इनके लिए जा रहा है, ये देखिए
ये ग्रीन चटनी कबाब, इससे पहले मैं आपको बताया था, अभी देखो ये भी पूरा एक्स्ट्रे में जा रहा है, ये ग्रीन चटनी कबाब है। और दूसरा ये जो मैं आपको बताया था ना, ये चिकन कांडी वगैरह थे इसके, शेजवान चिकन कांडी, इसका भी दिल खोल के पब्लिक खाई है, दिल खोल के तारीफ की है। मैंने आपको बोला था ना, मैं काम ऐसे ही करता हूँ, लोगों से तारीफ मिले और काम मुझे ज़्यादा से ज़्यादा मिले आगे। डिस्क्रिप्शन में मैं टोटल डिटेल डाल दूँगा, फॉलो कीजिए मुझे। यही पसंद आता है कुल्फी आइसक्रीम फालूदा, उसकी भी मैं क्वांटिटी बताता हूँ गाइस। इनका 750 कंप्लीट होने के बाद 150 जो प्लस हुआ है, 150 का एक्स्ट्रा जो मैं काम करके दिया हूँ, फिर भी हमारे पास क्वांटिटी देखे कितना हम लोग एक्स्ट्रा लेके चलते, वो उसकी मैं आपको व्यूज बताता हूँ। ये देखिए, जैसे मैं आपको कल बताया था, इनका 750 कंप्लीट होने के बाद भी देखो हमारे पास अभी भी 200 को खिलाने की और कैपेसिटी है हमारे पास। मैंने कहा ना आपको, हम लोग काम इतना एक्स्ट्रा करके देते हैं कि लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा तारीफ हो, ज़्यादा से ज़्यादा काम हो, अच्छा काम हो और अच्छा सा नाम हो। उस वजह से गाइस मैं पूरी मेहनत से काम करता हूँ। ये भी हम लोग सुबह, जैसा मैं हर वक्त आपको टाइमिंग बताता हूँ, बहुत मेहनत से बनाते हम लोग ये खाना पूरा। ये खाना बनाने के बाद इतनी लोगों की तारीफ सुनाऊँ मैं, इतना सब नाम सुनाऊँ। गाइस आपको भी इवेंट्स भी करना है, अपने पैसे वेस्ट मत करो, मुझसे करवाओ। मैं डिस्क्रिप्शन में टोटल लिंक्स पूरी डिटेल डाल दूंगा इस फूड की, कम प्राइस में आपको इतना अच्छा फूड प्रोवाइड करके दूंगा और आपको एक्स्ट्रा का तो टेंशन है नहीं। जैसा मैंने आपको वापस रिपीट करता हूँ, 750 का इनका ऑर्डर था, मैंने 150 इनका प्लस हुआ, 150 का पूरा इनको मैं एक्स्ट्रा काम करके दिया हूँ। गाइस बहुत खुश हो गए, किसी पब्लिक को मैं वापस जाने नहीं दे रहा हूँ, कोई भी वापस नहीं गया है, किसी का कंप्लेंट नहीं हुई, सब खाना अच्छे से हुआ है, पूरा काम अच्छे से हुआ है। गाइस ओके, आज की वीडियो में यही एंड करता हूँ, मिलूंगा आपको ऐसी नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो गाइस लाइक करना, शेयर करना, कमेंट्स करना, नए है तो बेल आइकन जरूर दबाना। ओके गाइस, मिलता हूँ आपको ऐसी नई इवेंट्स में, नई वीडियो के साथ। ओके, टेक केयर, गुड नाइट, बाय।